नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लगड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गंगा जमुना क्षेत्र से एक छापेमारी की घटना आगे आई है, जहां एक 16 साल की नाबालिग लड़की को देह व्यापार के चंगुल से छुड़ा गया, जिससे स्थानीय क्षेत्र में हड़कंप मच गया। दरअसल लगड़गंज पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले गंगा जमुना क्षेत्र के कश्मीरी बाई उचिया बाकड़ी गली में छापा मारकर एक 16 साल की नाबालिग लड़की को बचा गया। लगड़गंज पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि गंगा जमुना बस्ती के कश्मीरी बाई उचिया बाकड़े गली में एक नाबालिग लड़की की तस्करी की जा रही है। जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो आरोपी महिला, जिसका नाम भूरी सोनू उचिया, उम्र 40 वर्ष, जो मूल बदनापुर छावनी ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली है, उसके खेमे में एक 16 साल की नाबालिग पाई गई, जिसे वह पैसों का लालच देकर राजस्थान से लेकर आई थी। गुप्त सूचना के आधार पर लगड़गंज पुलिस ने स्थानीय क्षेत्र में 2:36 से 4:25 के बीच कार्रवाई की, जहां पूरी घटना का पर्दाफाश किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच जारी है, जिसके विषय में जानकारी दी लगड़गंज के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अतुल सबनविस ने। फ्रीडम फॉर्म संस्था है, सामाजिक संस्था है, उनकी तरफ से एक हमें इंफॉर्मेशन मिली, गंगा जमुना एरिया में एक घर में एक अल्पवयीन लड़की है और उसको जबरन वहाँ पे रखा गया है और उसे जबरदस्ती देह व्यापार करके ले जा रहा है, ऐसी खबर हमें मिली। अकॉर्डिंगली हमने प्रॉपर पंच वगैरह लेके वहाँ पे उस संस्था के लोगों के साथ में वहाँ पे रेड किया, तो वहाँ पे एक 16 साल की एक अल्पवयीन लड़की वहाँ पे हमें मिली, उसको वहाँ से हमने रेस्क्यू किया है। और उसमें जो औरत उस लड़की की पास से जो जबरदस्ती जबरन देह व्यापार करा के लेती थी, वो आरोपी भूरी सोनू उचिया, ये 40 साल की औरत है, उसे भी हमने ताबे में लिया। पुलिस स्टेशन में आने के बाद में हमने ऑफेंस दाखिल किया है और वो जो लेडी है उसको अरेस्ट किया है। जो अल्पवयीन लड़की है उसे हमने बाल सुधार गृह में अभी सेफ्टी के लिए रखा है। उस औरत को अभी हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे, रिमांड लेके फिर आगे की इंक्वायरी हम लोग करेंगे। इसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है, लेकिन पिछले 8-10 दिन से वो लड़की वहाँ पे आई थी, तो उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वो लड़की कहाँ से आई, कब आई और किसने उसको लाया था, इसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल तो ऐसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि वो लड़की को इसके पहले भी रेस्क्यू किया गया था, यहाँ पे लगड़गंज पुलिस स्टेशन में इसका गुनाह दाखिल हुआ था और उसको माननीय न्यायालय ने उनके पेरेंट के ताबे में दिया था, फिर भी वो लड़की वापस यहाँ पे आई है, तो उसके बारे में हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है। रिमांड मिलने के बाद ही उसके बाद में और अधिक जानकारी मिलने की चांसेस है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरी की रिपोर्ट। पूरे महाराष्ट्र में नगर पालिका में स्थानीय समिति नहीं होने से प्रशासनिक अधिकारी काम कर रहे हैं। स्थानीय विधायक एवं पूर्व मंत्री सुनील केदार ने 29 सितंबर को सावनी नगर पालिका में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया। इसमें मुख्य रूप से 48,03,225 रुपए की अनुमानित लागत से कृषि उत्पादन बाजार समिति से कोला नदी तक सीमेंट कंक्रीट नाली का निर्माण, वार्ड नंबर 2 में बालाजी लॉन के पीछे से नहर के किनारे मुख्य सड़क तथा अनुमानित लागत से नाली का निर्माण शामिल है। लागत 67,95,823 रुपए है। इसके अलावा सावनेर में ईसाई कब्रिस्तान की सुरक्षा दीवार के निर्माण की अनुमानित लागत 30 लाख रुपए है। वार्ड नंबर 7 में पुरानी पांडुना रोड पर खेड़कर लेआउट में खुली जगह में उद्यान विकास कार्य का भूमि पूजन और अनुमानित लागत 72,00,000 का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए विधायकों ने बच्चों और नागरिकों से इस पार्क में स्थापित ग्रीन जिम, खेल सामग्री और विभिन्न उपकरणों का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस अवसर पर वार्ड नंबर के स्थानीय नागरिकों और महिलाओं ने स्थान पर पार्क बनाकर लोगों को उपलब्ध कराने के लिए विधायक का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से नगर परिषद सावनेर के प्रशासक संपत खलाटे, मुख्याधिकारी किरण बागड़े, एडवोकेट श्रीकांत पांडे, मनोज बसवार, डोमसाव सावजी, पूर्व नगर सेवक सुनील चापेकर, लक्ष्मीकांत दिवटे, नीलेश पटेल, शफीक सैयद, तेज सिंह सावजी, अश्विन कारोकर, चंदू कामदार, श्रीजय देशमुख सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और नगर पालिका बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित थे। इन बीसीएन न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।
सावनेर कलमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुनील केदार को नाइक लेआउट, मोगाड़े लेआउट और रेलवे स्टेशन परिसर के नागरिकों ने राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन तक की सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढों की वजह से सड़क पर आवागमन करना खतरनाक तथा जानलेवा होने की जानकारी दी तथा हर दिन कोई न कोई दुर्घटना होती रहती है, जिससे उक्त सड़क का निर्माण यथाशीघ्र होना आवश्यक होने का अनुरोध कर सड़क निर्माण हेतु ज्ञापन सौंपा। वही पूर्व नगर सेवक नीलेश पटेल ने उक्त मार्ग परिसर में कई विशेषज्ञ डॉक्टर, क्लिनिक, रेलवे स्टेशन, ट्यूशन क्लासेस, कंप्यूटर आदि के साथ रेलवे स्टेशन होने की जानकारी देकर इस सड़क का निर्माण किया जाए ताकि इस मार्ग पर बड़ी संख्या में लोगों का सुरक्षा पूर्वक आना जाना हो, इसके लिए शीघ्र प्रयास करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर एडवोकेट श्रीकांत पांडे, डॉक्टर अमित बाहेती, मनोज मिर्जे, चंद्रकांत मिर्जे, प्रवीण टोनपे, वत्सल बांगरे, सुमित लोहाना, डॉक्टर चांडक, डॉक्टर मयूर डोंगरे सहित प्रभाग के सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। इन बेसिंदूस के लिए सावने से किशोर ढूंढेली की रिपोर्ट। अमरवाड़ा में डॉक्टर दंपति की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। मृतक डॉक्टर दंपति की पहचान डॉक्टर एम के डेहरिया और उनकी पत्नी वंदना डेहरिया के रूप में हुई है। डॉक्टर दंपति पर उनके क्लिनिक में युवक सोनू उर्फ प्रिंस मालवीय सोनपुर छिंदवाड़ा निवासी, उसने डॉक्टर एम के डेहरिया पर 3 गोली चलाई एवं उनकी पत्नी पर 1 गोली चलाई और साथ ही बाद में खुद पर गोली मार दी। आरोपी ने हत्या की इस घटना को इस वारदात को सरयाम क्लिनिक में घुसकर अंजाम दिया। दिन दहाड़े डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गोली लगने के बाद डॉक्टर दंपति को जिला अस्पताल पहुंचाया गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमरवाड़ा में हुई इस गोलीकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। डॉक्टर एम के डेहरिया और उनकी पत्नी वंदना डेहरिया अपना निजी क्लिनिक चलाते थे। दोनों उस समय अपने क्लिनिक में थे, तभी आरोपी ने पिस्तल से डॉक्टर दंपति पर गोली चलाई, जिसमें 3 गोली डॉक्टर को लगी एवं 1 गोली उनकी पत्नी वंदना डेहरिया को लगी। एडिशनल SP अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टर दंपति अपने क्लिनिक में थे, तभी आरोपी हथियारों से लैस होकर क्लिनिक में आया और गोली चला दी। घायल डॉक्टर को जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। अमरवाड़ा में डॉक्टर महेश डेहरिया और उनकी पत्नी जो वहाँ चिकित्सा का कार्य करते हैं, उनको एक सोनू मालवी नाम के एक युवक जो 25 वर्ष का है उसने गोली मारी। डॉक्टर को बचाने के लिए उनकी पत्नी सामने आई, पत्नी को भी पीठ में गोली लगी है। दोनों ही घायल हैं और दोनों का ही जिला चिकित्सालय में अग्रिम उपचार के लिए रेफर कर दिया गया है। इसके पश्चात आरोपी ने स्वयं को भी गोली मारी है, उसके सिर में चोट। और पूरी घटना की सूचना प्राप्त होते ही जो स्थानीय पुलिस और SGOP मौके पर है और इसमें प्रथम सूचना दर्ज की जा रही है, विवेचना में जो तथ्य आएंगे इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। NBC न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय संत श्री क्षेत्र के सानिध्य में राष्ट्रीय संत भोजाजी महाराज देवस्थान श्री क्षेत्र आजनसरा एवं अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल श्री क्षेत्र गुरुकुंज आश्रम तुकड़ोजी महाराज साहित्य सम्मेलन का सम्मेलन सोमवार 2 अक्टूबर को श्री क्षेत्र आजनसरा में होगा। इस साहित्य सम्मेलन की भव्य तैयारियां आजनसरा के श्री क्षेत्र में चल रही है और इस साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री नामदार देवेंद्र फडणवीस द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक चंद्रशेखर बावनकुड़े, अध्यक्ष श्री महालक्ष्मी जगदम्बा देवस्थान कुराड़ी, सांसद रामदास तड़स और विधायक समीर कुनावार होंगे। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर रामदास आंबेडकर, विधायक मितेश भांगड़िया, विधायक प्रताप अड़सड़, विधायक रंजित कांबड़े उपस्थित रहेंगे। संपूर्ण कार्यक्रम की योजना श्री संत भोजाजी महाराज देवस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर विजय परपत एवं विश्वत मंडल तथा अखिल भारतीय श्री गुरुदेव सेवा मंडल गुरुकुंज आश्रम अमराती इसकी तैयारी कर रहे हैं। प्रथम अविस्मरणीय साहित्य सम्मेलन समारोह की कार्यक्रम की समीक्षा NBCN चैनल से लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री यांच्या जयंतीनिमित्त श्री संत भोजाजी महाराज देवस्थान श्री क्षेत्र आजनसरा येथे साहित्य संमेलन होणार आहे, त्याबद्दल आपण आढावा घेणार आहोत। आजनसरा भोजाजी महाराज देवस्थानचे अध्यक्ष डॉक्टर विजय पर्वत आपल्यासोबत आहे, यांना विचारतो। सर, मला सांगा इथे मोठं साहित्य संमेलन होणार आहे, त्याच्याबद्दल आम्हाला माहिती द्या। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांची जयंती आणि लाल बहादूर शास्त्री यांची जयंती या प्रसंगाचे औचित्य साधून श्री संत भोजाजी महाराज देवस्थान आणि अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळ गुरुकुंज आश्रम मोजरी या संयुक्त विद्यमाने आम्ही संत साहित्याचा प्रचार व प्रसार व्हावा आणि लोकांमध्ये समाजामध्ये एक चांगले विचार संतांचे विचार रुजवावे या अनुषंगाने आम्ही इथे एक मोठे साहित्य संमेलनाचे आयोजन केलेले आहे।
यामध्ये सर्व गुरुदेव सेवक आणि वारकरी संप्रदायाचे सर्व श्री संत बोजाजी महाराजांचे सेवक यामध्ये सर्व लोक श्रम करत आहे आणि एक मोठ्या संमेलनाचे आम्ही इथे आयोजन केलेले आहे. सर, या 2 तारखेच्या होणाऱ्या ज्या कार्यक्रमाला आहे कुठल्या कुठल्या मान्यवरांची उपस्थिती राहणार आहे? आमची फार दिवसापासून इच्छा होती की महाराष्ट्रातील नेते जे हे मोठं तीर्थक्षेत्र आहे शेगावनंतर श्री संत बोजाजी महाराज आजनसराई देवस्थान फार मोठं लोकांचं श्रद्धास्थान आहे. इथल्या पुरणपोळीला अलौकिक एक महत्त्व आहे. 100 क्विंटलच्या वर दर बुधवारला आणि रविवारला तसेच अन्य दिवशी लोक इथे स्वयंपाक घेऊन येतात आणि पुरणपोळीचा प्रसाद इथे करतात. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातून कानाकोपऱ्यातून इथे लोक येतात, लाखो संख्येने लोक येतात आणि राज्य पर्यटन क दर्जाचं हे देवस्थान 2000 पासून इथे डेव्हलपमेंट चालू आहे आणि नुकतंच आता महाराष्ट्र शासनाने विधानसभेत घोषणा केलेली आहे की श्री संत बोजाजी महाराज देवस्थान आजनसरा हे प्रसाद योजनेत केंद्रीय पर्यटन म्हणून समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. या निमित्ताने या देवस्थानचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून आम्ही महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब तसेच कोराडी जगदंबा संस्थानचे अध्यक्ष आणि आम्ही आमच्या संस्थानचे मार्गदर्शक माननीय आमदार बावनकुळे साहेब हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे आणि या कार्यक्रमाचे उद्घाटन माननीय आमदार देवेंद्रजी फडणवीस उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्याचे हे करणार आहेत विशेष अतिथी म्हणून माननीय आमदार मुनगंटीवार साहेब, माननीय आमदार चंद्रशेखरजी बावनकुळे तसेच समीरभाऊ कुणावार स्थानिक आमदार विधानसभा हिंगणघाट, खासदार वर्धा जिल्हा माननीय रामदासजी तडस, माननीय डॉक्टर रामदासजी आंबटकर आणि आंगडिया साहेब आमदार चिमूर, प्रतापभाऊ अडसड आमदार धामणगाव रेल्वे, अन्य मान्यवर मंडळी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार. या कार्यक्रमाला किती लोकांची उपस्थिती राहणार आहे असा आपला अंदाज आहे? महाराष्ट्रातून सर्व स्तरावरून अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाने ज्या पद्धतीने प्रचार व प्रसार केलेला आहे आणि हे साहित्य संमेलन अनोखं आहे. महाराजांनी ग्रामगीतेमध्ये ग्रामनाथ म्हणजे शेतकऱ्यांविषयी कळवळा, शेतकऱ्यांचं उत्थान कसं होईल हे विचार मांडलेले आहेत आणि या विचाराचा प्रचार व प्रसार व्हावा या निमित्ताने या साहित्य संमेलनाचे आयोजन आहे. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यातून गुरुदेव सेवक मंडळी आणि वारकरी मंडळी या कार्यक्रमाला 8 ते 10 हजार भक्तांची सेवकांची उपस्थिती राहणार. एकूणच आपल्याबरोबर बोजाजी महाराज देवस्थानचे जे अध्यक्ष आहे डॉक्टर विजय परबत यांनी माहिती दिली आहे साहित्य संमेलनाबद्दल. मोठी अशी भव्य उपस्थिती यावेळेस राहणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते जे उद्घाटन पार पडणार आहे अशी माहिती यांनी दिलेली आहे. आजनसरा येथे बोजाजी महाराज देवस्थान या परिसरात मोठी अशी साहित्य संमेलन पार पडणार आहे. आपल्यासोबत अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाचे जे आहे काही मान्यवर त्याच्याशी आपण मला सांगा हे जे साहित्य संमेलन होणार आहे ते कशा प्रकारे राहणार आहे? हे साहित्य संमेलन महाराजांची जी इच्छा होती की हे वाङ्मय करोडमुखी जाऊ द्या त्या शब्दानुसार त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी हे साहित्य संमेलन अखिल भारतीय गुरुदेव शवांड गृहकुंज आश्रम श्री संत बोजाजी महाराज देवस्थान यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आयोजित केलेलं आहे. यामध्ये महाराजांनी जे साहित्य लिहिलं आहे, जे भजनं लिहिलेले आहे, जे अभंग लिहिले आहे, श्लोक लिहिले आहे, त्यांचा महत्त्वाचा ग्रंथ म्हणजे ग्रामगीता, या ग्रामगीताच्या सर्व विषयांवरती मंथन होणार आहे आणि त्या मंथनातून जे ज्ञानमूर्ती निघणार आहे ते समाजाच्या हितासाठी निघणार आहे, समाजाच्या कल्याणासाठी निघणार आहे आणि गावातला सर्वात शेवटचा जो माणूस राहाय त्याचा उत्थान झालं पाहिजे. म्हणजे ज्याला आपण ग्रामनाथ म्हणतो तुझेची व्हावी आधी उत्थान, या विचारानं हे संमेलन होणार आहे. एकूणच गुरुदेव अखिल भारतीय गुरुदेव सेवा मंडळाचे जे मुख्य जे पदाधिकारी किंवा जे वारकरी म्हणाव त्यांच्याकडून आपण माहिती घेतली आहे, सगळी माहिती त्यांनी सांगितलेली आहे. हे जे आहे साहित्य संमेलन कशा प्रकारे राहणार आहे त्याची परिपूर्ण माहिती त्यांनी दिलेली आहे. एनबीसी न्यूज के लिए हिंगणघाट से रवि येनोरकर की रिपोर्ट. उज्जैन के बाद अब छिंदवाड़ा के चौरे में भी हैवानियत की एक घटना सामने आई है जहां पर एक दरिंदे ने सुनसान जगह पर एक 7 साल की बच्चे के साथ बलात्कार की कोशिश की है परंतु किसी के वहां आ जाने के कारण उस बच्चे को छोड़कर भागना पड़ा. लेकिन बच्चे ने आरोपी को पहचान लिया था इसलिए उसने बच्चे को गला दबाकर मारने की कोशिश की और उसका जबड़ा भी तोड़ दिया. डॉक्टर दंपति पर उनके क्लिनिक में युवक सोनू और प्रिंस मालवीय सोनपुर छिंदवाड़ा निवासी उसने डॉक्टर एम के डेहरिया पर 3 गोली चलाई एवं उनकी पत्नी पर 1 गोली चलाई.
और साथ ही बाद में खुद पर गोली मार दी। आरोपी ने हत्या की इस घटना को इस वारदात को सरयाम क्लिनिक में घुसकर अंजाम दिया। दिन दहाड़े डबल मर्डर की सनसनीखेज वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। गोली लगने के बाद डॉक्टर दंपति को जिला अस्पताल पहुंचा गया था, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अमरपाड़ा में हुई इस गोलीकांड से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। डॉक्टर एम के डहरिया और उनकी पत्नी वंदना डहरिया अपना निजी क्लिनिक चलाते थे। दोनों उस समय अपने क्लिनिक में थे, तभी आरोपी ने पिस्तल से डॉक्टर दंपति पर गोली चलाई, जिसमें 3 गोली डॉक्टर को लगी एवं 1 गोली उनकी पत्नी वंदना डहरिया को लगी। एडिशनल SP अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि डॉक्टर दंपति अपने क्लिनिक में थे, तभी आरोपी हथियारों से लैस होकर क्लिनिक में आया और गोली चला दी। घायल डॉक्टर को जिला अस्पताल में लाया गया था, जहां उन्हें डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये मैं तो घर पे ही थी सर, ये गणेश जी विसर्जन करने के लिए कुछ बच्चों के साथ ये चली गई, तो ये बोरिंग गई शायद पानी लेने, इसको प्यास लगी तो वो भी इसके पीछा पीछा कैसे गया ये तो मेरे को नहीं मालूम। कौन कौन? वो सुधीर सोनी। कहाँ रहते हैं? ये बच्ची के पीछे पीछे चला गया शायद वो, और इसको बोरिंग से उठा के उसने बीच मक्के में ले जा लिया, खेत के अंदर मक्का लगा है, वहां से इसको शायद पूछा कि कपड़े उतार, तो ये बच्ची ने कही नहीं उतारी, तो उसने इसके साथ मारपीट किया। मारपीट करने के बाद एक लड़की गई वहाँ बोरिंग पानी लेने के लिए, आवाज आई होगी तो इसको छोड़ के और वो भाग गया। इसको गले में है चोटे और ये जबड़ा 3 जगह से टूटा है उसका, और ये आंख में चोट है। दिनांक 27 सितंबर को थाना चौराई में चौराई हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ मारपीट की घटना घटित हुई है, जो उपचार हेतु शासकीय अस्पताल माता पिता के साथ में आई है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा बच्ची व माता पिता से पूछताछ की गई। प्रारंभिक तौर पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा मारपीट की घटना उनके द्वारा बताई गई थी और अग्रिम उपचार हेतु बच्ची को जिला चिकित्सालय छिंदवाड़ा रेफर किया गया था। घटना की जो तस्दीक है उसके दौरान एक सुधीर सोनी नामक व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिससे पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है, और घटना की प्रारंभिक कथन तथा चौराई में लिए गए मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस तस्दीक में आए गए कथन के अनुसार इसमें समुचित धाराओं में प्रथम सूचना दर्ज कर ली गई है। प्रारंभिक तौर पर जो बच्ची के कथन दिए गए थे और जो मेडिकल रिपोर्ट आई थी उससे इस प्रकार के किसी तथ्य की पुष्टि नहीं हुई है, परंतु इस हम पुनः बच्ची के और उसके परिजनों के स्टेटमेंट प्राप्त कर रहे हैं, न्यायालयीन स्टेटमेंट भी कराए जाएंगे और जो भी नवीन तथ्य इसमें विवेचना के दौरान आएंगे समुचित धाराओं का समावेश कर इस प्रकरण में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। NBC न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट। हिंदी समाचार में फिलहाल इतना ही, ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।